कहीं छाया, बहुत ज़्यादा गर्मी। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो आज हम ना इसी तरह के जो हमारी व्लॉग की सीरीज चल रही थी खर्चा व्लॉग्स के नाम से, उसका सेकंड एपिसोड की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी में बोले तो एक छोटा सा काम करवाना है पहले। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा खाली रास्ता आता है तो बताता हूँ कि बाइक में लास्ट वीक मैंने देखा तो एक इशू, मुझे प्रॉब्लम लगी, बट उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने कहा ये टाइम निकाल के ठीक करवाना ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या रहा है। तो अगर आप मेरी यहाँ पे देख रहे हो कि डिस्क ब्रेक को अगर मैं इसको एकदम से दबाऊँगा तो ये दब रही है, राइट। अब देखो ये दब जाएगी, ठीक है, यहाँ पे ये दब के रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ लाइक दिस, तो ये भाई पूरी फ्री हो रही है। तो मैंने एक शॉप वाले से पूछा लेकिन डिस्क भी इतना यहाँ तक नहीं आती, अगर मैं एकदम से मारूँगा तो सही चलेगी। तो मैंने एक मैडम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने किसी शॉप वाले से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाला पंप ख़राब हो गया है। एक ने मुझे ये बताया कि ये पूरा ही चेंज होगा, तो मुझे नहीं पता क्या है। तो मेरे एक नोन है, फ्रेंड है, जिनका अपना सर्विस सेंटर भी है और स्पेशली इसे बुलेट्स का ही है, रॉयल इनफील्ड का। तो मैंने कहा वहाँ पे जाके एक बार उनसे चेक करवाते हैं और उन्हीं से लगवा लेंगे जो भी होगा। सो आज ना वही चीज़, और आज का एपिसोड है बड़ा ख़ास। बोले तो ये तो बस मैंने छोटा सा काम करवाना है, उसके बाद आप लोगों के लिए जो मेरा एक बहुत पुराना एक वीडियो है उस पर कई क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उनका जवाब भी देना है, उनका रिप्लाई भी करना है और साथ के साथ उन्हीं के रिगार्डिंग एक और नई अपडेट भी देनी है आपको। बोले तो जो एक क्रोम पाउडर आता है, यहाँ मेरी आई बटन पे ना अभी वीडियो आ रही होगी, एक क्रोम पाउडर आता है बुलेट की या कोई भी बाइक की, जितना भी क्रोम पार्ट होता है उसको पॉलिश करने के लिए जो आता है सिर्फ 5 रुपये का, राइट। तो वो मैंने यूज़ किया था और नो डाउट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो पॉलिश कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट साथ में एक काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगवाई थी, ली थी शोरूम से, रॉयल इनफील्ड की एसेंशियल नाम से मेटल पॉलिश आती है, तो कई लोग वो यूज़ करते हैं। तो मेरे को भी था कि हाँ यार, एक तो है वो 200-250 रुपये की है, वो है 5 रुपये की, तो दोनों का कंपैरिजन करना बनता है यार। तो एक बार, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ना मैंने जो जितना भी रस्ट भी लगा हुआ था बाइक पे उसको मैंने साफ़ नहीं किया था, इसी वजह से नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था एक बार रस्ट लग जाए तो फिर मैं ये वीडियो अच्छे से करूँ, क्योंकि अगर मैं रस्ट नहीं होगा और आपको दिखाऊँगा तो उसका तो कोई भी मतलब नहीं बनेगा। तो जब वो चीज़ गंदी नहीं होएगी तो वो साफ़ कैसे होएगी, साफ़ करते हुए नहीं दिखा सकता ना, इसीलिए उसके लिए मैंने वेट किया। तो अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही 10-15 मिनट की वीडियो होगी तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो फटाफट से मैं एक बार सर्विस सेंटर, वो शोरूम पर जाके, उनके सर्विस सेंटर पर जाके एक बार इसको ठीक करवा लेता हूँ डिस्क वाला काम, और फिर हम करते हैं वो हमारा जिसके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलते हैं फटाफट से। तो अभी चेंज हो रहा है ये बेसिकली, ये जो उनका लीवर है, ये जो है ना डिस्क का, ये पूरा का पूरा चेंज होना है। तो छोटा सा हो गया फ़ायदा, छोटा सा हो गया नुकसान। नुकसान बोले तो नुकसान नहीं हुआ, अच्छा हुआ ये चीज़ सामने ही ख़राब होगी, अगर कहीं और ख़राब होती तो बहुत दिक्कत होती। तो हुआ क्या था कि यहाँ का जो लॉक है इसका नीचे की साइड का शोल्डर और कनेक्टर टूट गया था, तो जिस वजह से ये दोबारा से ठीक करके लगाना पड़ा। तो एक बार आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा सेट चेंज करवाते हो जिसमें ये लॉक और साइड के दोनों लॉक ये सारे हो जाते हैं, वो है कुछ 1400-1500 रुपये का। तो एक और सेट होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ ये मिल जाता है, सिर्फ इधर का लॉक मिल जाता है, बट उसमें सिर्फ यही होगा कि यहाँ की चाबी अलग हो जाएगी, रॉयल इनफील्ड की ओरिजिनल ही है, यहाँ की चाबी अलग हो जाएगी, बाकी चाबी अलग हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं यार, मेरा क्या जा रहा है, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ की चाबी अलग है या बाकी चाबी अलग है, अपने को तो बस बाइक रखनी है। तो वो मेरे को पड़ा कुछ 250 रुपये का, तो ठीक है, क्या दिक्कत है मेरे को, मैंने ये वाला लगवा लिया। तो अभी फटाफट से ना मैं आपको लेके चलता हूँ किसी बढ़िया से पार्क में, जहाँ पे ये चीज़ के ऊपर काम करवाऊँगा जो मैंने बताया था कि एसेंशियल जो कंपैरिजन करना है वो करके दिखाते हैं।
फटाफट से, ताकि वहाँ पे ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना हो हमारा। गर्मी को थोड़ा सा कम करते हुए ना, अभी अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, तो मैंने कहा इसको भी कंप्लीट करें। तो जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, तो ये है बेसिकली रॉयल एनफील्ड की एसेंशियल नाम से मेटल पॉलिश है। तो ये क्रोम के लिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में बहुत ज़्यादा क्रोम होता है, इसलिए रॉयल एनफील्ड ने पर्टिकुलर ये निकाली हुई है। और इसकी कुछ MRP है 315 रुपये, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मैं बहुत पहले लेके आया था, बट थोड़ा टाइम यूज़ हुई। उसके बाद एक आता है ये ऑलरेडी यूज है तो खुला हुआ है, तो ये आता है कुछ 5 रुपये का पैकेट, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है, ये कई बार चल जाता है। तो मैंने इसके ऊपर तो एक वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए होंगे। नहीं देखा तो आई बटन में लिंक होगा, वहाँ पे देख लेना। तो वेट किया और इसको ये रस्ट लगने दिया, ताकि इसको मैं अच्छे से चेक कर पाऊँ, क्योंकि अगर ये रस्ट ना लगता तो ये मैं चेक नहीं कर सकता। तो मैं बेसिकली इन दोनों को अच्छे से कंपेयर करने वाला हूँ कि कैसे हैं। और ये हमारा एक टूथब्रश है, जो हम एक होटल कहीं ट्रिप पर गए थे, वहाँ पर हमने होटल से निकाल लिया था। तो फटाफट से करते हैं, बाइक को मैंने जान के वॉश नहीं करवाया काफ़ी टाइम से, ताकि ये रस्ट लगे। अब ये रस्ट लग चुका है, तो अच्छे से इसको एक बार करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स का मैं देना चाहूँगा। कईयों ने मुझे पूछा था कि इसको ना किसी लैंग्वेज में पीताम्बरी भी कहते हैं, तो बिल्कुल हाँ, इसको कहते हैं पीताम्बरी। मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया, तो इसको पीताम्बरी कहते हैं कुछ लैंग्वेज में। और इसको डालते हैं पानी में, डाइल्यूट करके पानी में मिलाते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया कि जो आप पानी नहीं यूज़ कर रहे, वो आप केमिकल यूज़ करो। तो यार वो केमिकल नहीं है, पानी है। क्योंकि ये देखो, अगर एक केमिकल होता तो मैं इसमें हाथ नहीं डाल सकता था, तो मैं इसमें हाथ भी डाल रहा हूँ। तो ऐसे कोई ऐसा नहीं है, केमिकल है ये, कि केमिकल नहीं है ये, आराम से इसमें पानी में हाथ डाल सकते हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो इग्नोर करना, मैंने स्लीपर ही पहनी हुई है, क्योंकि मेरे से शूज़ पहनने में ऑफिस में पहनते हैं, बट बाहर नहीं पहने जाते, बहुत दिक्कत लगती है मुझे। तो इसको क्या करना है, एक काम करते हैं, पहले हम ना इसको यूज़ करके दिखाते हैं, जो रॉयल एनफील्ड की एसेंशियल नाम से आती है। तो आई थिंक इसको डायरेक्ट ही यूज़ करना था। ठीक है, कोई इसको हमने गीला नहीं करना है, इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो इसको हम एक बार करते हैं, ये है इस तरह की पेस्ट। तो देखो अब कि कैसे होता है। ये है 300 रुपये का प्रोडक्ट, तो अभी देख रहे होगे आप कि कितना काला काला हो गया, क्योंकि इसमें से मिट्टी निकलेगी तो ये सारा काला काला होएगा। एक काम करता हूँ, फटाफट से इसको ना करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो अब इसको करके दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये चमक गया, ऐसा हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा लोकल वाला 5 रुपये का पॉलिश आती है, उसको यूज़ करके। तो ये है पानी, इसमें हमने मिला दिया ये सारा पाउडर, ठीक है। अब इसको एक बार हिलाते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा ना पेस्ट टाइप का बन जाएगा। तो एक बार मैं कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो एक बार देख लो, ये है, ये 5 रुपये का असर है। तो ये मेरे को ज़्यादा क्लियर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो मैं प्रेफर करूँगा 5 रुपये वाला। तो आगा होता ना, तो अभी पॉलिश हो चुकी है, आगे का मैंने आपको दिखा दिया था। एक काम करो, आप पीछे का देखो, तो एकदम शाइन है। और ये वो 5 रुपये वाले से हुआ है, ये है। यहाँ पे मेरे नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाथ नहीं अच्छे से गया था, तो मतलब अच्छे से हो नहीं रहा था मेरे से, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने यहीं स्टॉप कर दिया। थोड़ा सा साइलेंसर पे मैंने नहीं किया है, क्योंकि साइलेंसर पे ऑलरेडी मेरा रैप लगना है, जो ये वाली जगह है, यहाँ पे मेरा रैप लगना है, तो इस पे मैंने नहीं किया। बाकी सारा बढ़िया तरीके से हो गया है। अब एक काम करेंगे, सोने पे सुहागा कब होगा, जब इसकी होगी वॉशिंग। तो अभी जाके इसकी वॉशिंग करवाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ गिरा हुआ है, मैं नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। चलो फटाफट से वॉशिंग करवाते हैं।
तो हमने जो वॉशिंग करवानी है यहाँ से करवानी है, क्योंकि मैं हर गाड़ी हो बाइक हो मैं हमेशा यहीं से वॉशिंग करवाता हूँ। गुरु जी सुखमनी प्रॉपर्टी एंड बिल्डर टेक, लेकिन ये वॉशिंग भी करते हैं। बुलेट की भी तो भी बुलेट को हम लगा रहे हैं यहाँ। तो आज मेरा मन कर रहा है कि आंखें खोल के बाइक चलाऊं, क्योंकि कुछ एक दिन पहले बाइक इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मन करता था कि बाइक आंखें बंद करके बाइक चलाऊं, देखने का मन नहीं कर रहा था और टाइम नहीं मिल पाता था जिस वजह से वॉशिंग नहीं करवा पाए। बट आज हो गई है और देख लो कितनी चमक रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आज मैंने और भी कही, मेरे एक फ्रेंड ने भी ली थी साथ में, ट्रैफिक आ गया, आगे जाके बात करेंगे आप लोगों से। आज बाइक लग रही है एक नंबर और क्रोम पार्ट में बिल्कुल, मैं डेफिनेटली 100% कहूँगा कि क्रोम पॉलिश जो रॉयल इनफील्ड की ऑफिशियल आती है या एक ब्राइटो नाम से आती है, मैं उसकी भी यहाँ पे एक इमेज लगा दूँगा, दोनों से ज़्यादा बढ़िया है जो हम ये यूज़ करते हैं क्रोम पाउडर, जिसको कहते हैं पीतांबरी कुछ अलग लैंग्वेज में। क्रोम पॉल कुछ लोग क्रोम पॉलिश के पाउडर कह देते हैं, कुछ क्रोम पाउडर कह देते हैं, कुछ पीतांबरी कह देते हैं, जो मन में आए वो बोल दो, बस आपको मिल जानी चाहिए। बट क्योंकि एक्चुअली मुझे पीतांबरी के बारे में पता कैसे लगा कि मैंने जब वीडियो अपलोड करी तो एक साउथ की कोई वेबसाइट है, उन्होंने मेरी वीडियो जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, तो ये चीज़ थी। और उन्होंने वहाँ के कुछ लोगों ने मेरी वीडियो देखी, उसके ऊपर कमेंट किया कि इसको पीतांबरी कहते हैं, देन मैंने सर्च किया तो बिल्कुल हाँ सही वे बात थी कि उसको पीतांबरी कहते हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाती है, अब हमारी पर्सनल लाइफ शुरू हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि पर्सनल लाइफ को ज़्यादा ही अपनी सोशल लाइफ में डालूं, वो चीज़ अलग है, पर्सनल लाइफ अलग है, दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। और मैं इस बिल्कुल फेवर में हूँ, कई ब्लॉगर्स मैंने देखे हैं जो पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा सोशल बना देते हैं कि बाद में उन्हीं को रिग्रेट होता है कि मैंने इस बारे में यह चीज़ क्यों बताई। तो मैं वो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए पर्सनल लाइफ अलग सोशल लाइफ अलग, दोनों को अलग अलग रखें। सो मिलते हैं इसी तरह की किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।